तो आज हम बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान पे, प्लस भारत की जो क्या कहते हैं सम्मान प्रणाली है जो यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसके ऊपर बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या है भारत का जो सम्मान प्रणाली है वो, और पुरस्कार एवं सम्मान जो 2019 के हैं। सम्मान प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले आता है नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टॉप पे आता है भारत रत्न। इसके बाद इसी में नागरिक सम्मान में ही पद्म पुरस्कार होते हैं। पद्म पुरस्कार 3 हैं, नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3। नागरिक सम्मान में जो पद्म पुरस्कार मिलते हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन मीन सबसे अहम जो है वो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है। इसी तरह से हम सैन्य पुरस्कार की अगर बात करें तो सैन्य पुरस्कार में कई तरह के होते हैं सैन्य पुरस्कार। एक तो युद्ध के दौरान और शांति के दौरान। युद्ध के दौरान जो सबसे टॉप का पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, उसके बाद महावीर चक्र है और फिर वीर चक्र है। ये भारत की जो सम्मान प्रणाली है उसमें ये सैन्य पुरस्कार जो हमें दिए जाते हैं, जो मतलब सेना के युद्ध के दौरान जो दिए जाते हैं, उसमें सबसे नंबर 1 है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र और फिर वीर चक्र आता है। शांति के दौरान जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण उसमें होता है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। इसी तरह से युद्ध और शांति के दौरान सेवा और पराक्रम के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें सबसे पहले आता है सेना मेडल, फिर नौसेना पदक और फिर वायुसेना पदक। ये तीनों सेना की टुकड़ियों का है, नौसेना, वायुसेना और सेना मेडल, नौसेना पदक और वायुसेना पदक। इसी तरह से युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवा पदक जो दिए जाते हैं वो है, ये सर्वोत्तम युद्धक सेवा पदक आता है, उसके बाद उत्तम युद्धक सेवा पदक और तीसरा है युद्ध सेवा पदक। शांति के दौरान जब युद्ध नहीं हो रहा होता है, शांति होती है देश में, उसके दौरान जो दिया जाता है परम विशिष्ट सेवा पदक, दूसरा आता है इसमें अति विशिष्ट सेवा पदक और फिर तीसरा आता है विशिष्ट सेवा पदक। ये सारे जो हैं ये सेना के लिए, कौशल के लिए दिए जाते हैं। ये है जो नागरिकों को पुरस्कार दिया जाता है। अब आते हैं नेतृत्व के लिए। नेतृत्व के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो 2 हैं, एक है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और दूसरा है गांधी शांति पुरस्कार। इसी तरह से साहित्य के लिए कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, आनंद कुंवर स्वामी फेलोशिप और प्रेमचंद फेलोशिप। कुछ विशेष पुरस्कार हैं जो खेल से और पुलिस पुरस्कार और या वीरता के लिए दिए जाते हैं। इसमें से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हैं वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। पुलिस की पराक्रम के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है पराक्रम हेतु राष्ट्रीय पुलिस मेडल। उसके बाद वीरता पुरस्कार आते हैं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में भारत अवार्ड, संजय चोपड़ा अवार्ड और गीता चोपड़ा अवार्ड, जीवन रक्षक पदक श्रृंखला अवार्ड, नंबर 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, उसके बाद उत्तम जीवन रक्षक पदक और फिर जीवन रक्षक पदक। तो ये जो पूरी है ये भारत की जो सम्मान प्रणाली है वो उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे कि 2019 में जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं लोगों को उसके बारे में। तो पहला बात करेंगे कि फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कार्नोट पुरस्कार 2018 पीयूष गोयल को मिला है। पहला महावीर अहिंसक पुरस्कार विंग कमांडर अभिनंदन, सभी लोग जानते हैं विंग कमांडर अभिनंदन,
इनको पहला महावीर अहिंसक पुरस्कार मिला है। उसके बाद मैं अभी अशोक चक्र की बात कर रहा था, तो अशोक चक्र मिला है लांस नायक नजीर अहमद वानी को। ये और भारत रत्न 2019 का सभी को पता है, तीन लोगों को मिला था, भूपेन हजारिका, प्रणव मुखर्जी और नानाजी देशमुख। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद पुरस्कार 2018 कनिमोझी को मिला, और बाफ्टा अवार्ड 2019 फिल्म रोमा उसको मिला है, ऑस्कर अवार्ड फिल्म ग्रीन बुक को मिला है। इसके बाद आएगा फुटबॉल रत्न 2019 अवार्ड सुनील छेत्री। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो ये अवार्ड और सम्मान की लिस्ट होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इससे, तो ध्यान से देखिएगा, खास करके PCS 2020 और BEO जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसी के साथ साथ जो लोग जूनियर असिस्टेंट देने जा रहे हैं वो लोग भी इसको ध्यान से देखें। अगला है शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये CN राव को मिला। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष। इसी के साथ गांधी शांति पुरस्कार मिला है योई सासाकावा को। फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड दिव्या कर्नाड। इसके बाद मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रियंका दुबे को। यशवंतराव चौहान पुरस्कार रघुराम राजन, 2018 का है ये, जो कि 2019 में मिला। कॉमनवेल्थ बेस्ट यूथ अवार्ड 2019 का पद्मनाभन गोपालन। टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 का मिला है मार्सेलो ग्लीसर। इसके बाद वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 पीटर तबीची, और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टेमिस्लाव ये मिला है राष्ट्रपति कोविंद को। इसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी। तो ये 20 टोटल हैं ये अवार्ड जो मिले हैं। इसके बाद आगे की लिस्ट देखते हैं, 21st है ये 21वां राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 बेनी एंटनी। इसके बाद ईखा मांगा पुरस्कार 2019 जैक कलिस को मिला है, और मैक केन इंस्टीट्यूट 2019 का अवार्ड जो है छाया शर्मा। डायलस थॉमस पुरस्कार गाई गुणारत्ने और मिस इंडिया 2019 सुमन राव रही हैं, और प्रथम गांधी मंडेला शांति पदक पुरस्कार जो है थिच नाथ हान। एबल पुरस्कार मिला है कारन उहलेन बेक को। और फिल्म फेयर की बात करें तो 64वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह जो 23 मार्च 2019 को हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो राजी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2018 तेलुगु कवि शिवा रेड्डी को मिला। जोखा लार्थी को मिला है बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, और रामनाथ गोयनका पुरस्कार एस विजय कुमार को मिला है। रचेल हीहो फ्लिंट पुरस्कार स्मृति मंधाना को मिला है। दोस्तों ये जो PDF है इसको मैं अपने ग्रुप पे शेयर करूंगा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।